नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कल लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में ये मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी। कल 11 बजे के लगभग ये बैठक की जाएगी। कल लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। यूपी के लोकभवन में कल मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ, लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है? कल लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक है। मैं बताना चाहूंगा कि ये लोकभवन में कल मंत्रिपरिषद की बैठक है और सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी कुछ निर्देश हो सकते हैं। और मंत्रिपरिषद की इस बैठक में शायद ये भी फैसले लिए जा सकते हैं कि अभी जो विकास को लेकर के जो अधूरे काम है, कुछ अधूरे कामों को लेकर भी इसमें मीटिंग बताई जा सकती है, जिसकी कल 11 बजे मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। सारे मंत्रियों को मौके पर पहुंचना है, विधायक भी पहुंचेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि कल की इस मीटिंग के बाद क्या महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, या जो स्पेशल सत्र बुलाया जाना था नवम्बर में, क्या उस सत्र की तैयारी चल रही है, उसी को लेकर के ये कल मीटिंग होगी। जी, बने रहिए हमारे साथ दानिश। अगली खबर पे हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बोले शिवपाल सिंह यादव, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम निभाएंगे। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन सभी से बात भी करेंगे। जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा उन सभी को इकट्ठा किया जाएगा। ये बड़ा बयान दिया है शिवपाल सिंह यादव ने कि जो लोग नहीं जुड़े हैं अब तक, जो लोग नाराज हैं उनसे भी बात करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जो लोग नाराज चल रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव फिर गठबंधन करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो नेताजी का कद था वो शिवपाल यादव जी बखूबी जानते थे, और शिवपाल यादव जी नेताजी की बात को अपना फैसला मानते थे। नेताजी की बात उनकी बात होती थी, जिसको लेकर के एक दुख भरा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि शिवपाल यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी चाहने वाले हैं मुलायम सिंह के, उनके लिए तो ये दिन काफी कष्ट भरे हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने जो आज बयान दिया है, उस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से शायद गठबंधन कर सकते हैं, या शायद नेताजी को उसके फैसले को लेकर के वो कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। जो उन्होंने एक बात कही है कि जो नाराज है उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे और जो भी निर्णय होंगे वो मंजूर किए जाएंगे। इससे एक मैसेज जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अखिलेश यादव से नाराज हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की नीतियों से नाराज हो सकते हैं, उनको भी शिवपाल यादव मनाने की कोशिश करेंगे। और शिवपाल यादव के जो फैसले होते थे वो नेताजी की सहमति से होते थे, क्योंकि आज नेताजी नहीं रहे। इसमें मुझे लगता है कि शिवपाल यादव ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो रूठे हैं, नाराज हैं, वो अगर अखिलेश से नाराज है या समाजवादी पार्टी से नाराज है तो वो शिवपाल यादव से बात कर सकते हैं। शिवपाल उनको मनाएंगे और फिर से समाजवादी पार्टी को शायद मजबूत करने की कोशिश करेंगे या गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि विनय इसका समाजवादी पार्टी में पुनः होगा या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे, या शिवपाल यादव की ऐसी कौन सी मंशा है कि शिवपाल यादव ने अचानक आज ठीक मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के ठीक दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया है। यह कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अखिलेश यादव को शायद एक मैसेज दिया गया है कि अगर वो चाहेंगे तो इसमें उनकी साथ उसकी पहल वो करेंगे। बिल्कुल जी, मैं इस बारे में अभी कोई निर्णय ऐसा कुछ सूचना जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी राज्य अध्यक्ष जो है वो अखिलेश ही रहेंगे, और शिवपाल यादव ने एक मैसेज के तौर पे एक मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शिवपाल की बात मानेंगे, और जो नाराज चल रहे हैं अगर किसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी से कुछ लोग नाराज हैं तो उनको भी उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर मान लीजिए अब अखिलेश यादव से अगर कोई नाराज है या उनकी नीतियों से कोई नाराज है तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास शिवपाल यादव करेंगे। इसलिए शिवपाल यादव ने एक मैसेज के तौर पर ये बताया है कि मुलायम सिंह की जगह जो खाली पड़ी है, मुलायम सिंह के जाने के बाद जो समाजवादी पार्टी का दायित्व है वो कहीं ना कहीं अब शिवपाल पर भी होगा, और शिवपाल भी कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी सहमति देंगे। अब देखना आगे ये होगा कि शिवपाल के इस बयान पर
समाजवादी पार्टी को रख के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या आती है, वो चाचा भतीजे पुनः मिल के विलय करेंगे या फिर गठबंधन के साथ या फिर दूर दूर जाके दूरी बना रखेंगे। जी बिल्कुल। और एक बात और दानिश की, मुलायम सिंह की जो परंपरागत सीट रही है मैनपुरी संसदीय क्षेत्र, वो अब 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव भी होंगे, तो इसको लेकर के भी पूरा परिवार इकट्ठा होगा क्योंकि नेताजी का वो परंपरागत सीट रही है। देखिए, शिवपाल यादव के बारे में पहले जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये थे कि शायद शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं, शायद शिवपाल का विलय भाजपा से हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज शिवपाल यादव का बयान आया है नेताजी के अंतिम, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन शिवपाल का ये प्रतिक्रिया आना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अखिलेश यादव को उन्होंने एक पहल की है कि अखिलेश यादव अगर वो चाहेंगे तो शिवपाल एक चाचा और भतीजे की तरह और मुलायम सिंह के छोटे भाई की तरह वो अपना कार्य करेंगे समाजवादी पार्टी में और उनकी नीतियों को समाजवादी पार्टी में पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो नाराजगी शायद वो दूर करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके शिवपाल यादव ने एक मैसेज दिया। अब ये तो समय तय करेगा कि शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया का अखिलेश यादव किस तरीके से लेते हैं और शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। ठीक है दानिश, आप हमारे साथ बनी रहिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां थाना गुडम्बा में ग्राम प्रधान रजौली के परिवार के लोगों ने 9 दिन पहले दलित परिवार को बुरी तरह से पीटा था, लेकिन अब पुलिस ने इसमें मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस पीड़ित पर सुलह का दबाव भी बना रही थी, 9 दिन बाद भी पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित ने चौकी प्रभारी मुन्ना सिंह पर चौकी से भगाने का भी आरोप लगाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ, लखनऊ ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं दानिश। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल के आ पा रही है? बहुत बड़ी घटना है ये, 9 दिन पहले दलित परिवार को प्रधान के द्वारा पीटा गया, प्रधान परिवार के द्वारा, और अब तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता को पुलिस थाने से भगा भी दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? बड़ी शर्मनाक ये घटना है और सबसे बड़ी बात ये कि इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। तो अब यूपी पुलिस या लखनऊ पुलिस को कौन सा किस आदेश का इंतजार है कि कमिश्नरेट पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि जो मारपीट कर रहे हैं, जो दबाव बना रहे हैं, दलितों को पीट रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी मामले को लेकर के कुछ स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसमें जिस तरीके से वीडियो वायरल, वीडियो ने कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की पोल खोल दी है, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पोल खोल दी है। 9 दिन बाद भी पीड़ित का मुकदमा दर्ज न होना, पीड़ित को चौकी से भगा देना और वहाँ चौकी इंचार्ज पर आरोप लगना, ये कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की ताक पर भी सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि लखनऊ पुलिस की खाकी के रुतबे पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बुरी तरीके से कुछ लोग पीट रहे हैं और मामले से पता चलता है कि ये लखनऊ के गुडम्बा के प्रधान रजौली की गुर्गो ने इसको मारा पीटा है और पुलिस इसको पीड़ित को सुलह कराने का दबाव बना रही है, यानी कि वीडियो वायरल होने के बाद जो है दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के शायद पुलिस को अभी शायद फीडबैक की जरूरत है या मुझे लगता है कुछ सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को इस चीज को संज्ञान में लेना होगा और गंभीरता से इस चीज पर विचार करना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद भी 9 दिन के बाद भी कार्रवाई न करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देगी और अपराधियों में हौसला बना देगी जो लखनऊ पुलिस के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, बेहद ही शर्मनाक ये घटना है जिस तरीके से लखनऊ में ये घटना घटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में एक दर्जन से ज्यादा लोगों में डेंगू के लक्षण पाए जाने की शिकायत मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र कुमार ने जिला मलेरिया अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा की अगुवाई में बसेड़ी गांव में स्पेशल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए गए थे। दोनों अधिकारियों ने स्वास्थ्य टीम के साथ गांव पहुंचकर के शिविर लगाया था। करीब 300 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा 100 से अधिक लोगों के खून के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। सीएमओ ने कहा है कि डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए विभाग के पास पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कि यहाँ से जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई दिन से सीएमओ ऑफिस में, सीएमओ साहब के पास भी, हमारे सीएमओ साहब के पास रिपोर्टिंग हो रही थी कि यहाँ बुखार के रोगी हैं और जैसे कि बताया कि कुछ लोग एडमिट हैं और उनकी प्लेटलेट्स कम हैं, तो उसको संज्ञान में लेते हुए सीएमओ साहब ने निर्देश दिया कि गाँव में जा करके जिन घरों में बुखार की शिकायत है, कंपन के साथ बुखार आ रहा है, प्रत्येक आदमी की जाँच की जाएगी और उसको इलाज दिया जाएगा। इसलिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है, प्रत्येक आदमी की हम जाँचें कर रहे हैं, दवाई वितरण कर रहे हैं हम लोग।
बुखार के रोगी हैं, वो आ रहे हैं हमारे कैंप पर, हम इनके जांच करवा रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं मलेरिया और डेंगू दोनों के। तो अगर मलेरिया डेंगू आता है तो उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें इंडोर स्प्रे हमारे द्वारा किया जाता है, जागरूकता सोर्स रिडक्शन सब काम किया जाएगा। हमारी आशाएं आंगनबाड़ी सारी तैयार हैं, तो तत्काल हम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता परवीन सैनी जुड़ गए हैं। परवीन, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से लक्सर में डेंगू और मलेरिया फैल रही है, वो बेहद ही गंभीर स्थिति है वहां पर। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो लक्सर टहली क्षेत्र का बसड़ी खादर गांव पड़ता है, जैसे जैसे बारिश का मौसम चला था उसी के साथ साथ जो यहाँ क्षेत्र की जनता, उनको लगातार फीवर की शिकायत मिल रही थी, और जिसके बाद जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनसे बात भी की, लेकिन कोई भी पहले स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी गांव में जाने के लिए पहले तैयार नहीं हुआ था। जिस देखा कि ग्रामीणों की लगातार शिकायत आ रही है, और जो दर्जन जो लोग हैं उनको लगभग एक सप्ताह से भी फीवर चल रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग वो जाग पाया, और जो लगातार ग्रामीणों की शिकायत थी उनका कहना यह था कि जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको कई बार कहा भी गया लेकिन वो गांव में नहीं पहुंचे। जब हाई स्तर तक, जो जिला स्तर तक इसका मामला पहुंचा, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में जाकर टीम लगाई गई और जो चेकअप कराया लोगों का, उसमें ज्यादातर लोगों के जो सैंपल लिए गए थे उनमें किसी को डेंगू और किसी को मलेरिया, लेकिन दर्जन भर लोग ऐसे हैं आज भी जिनकी गंभीर स्थिति बनी है, उनकी जो प्लेटलेट है वो भी काफी कम हो गई है। जब अब स्वास्थ्य विभाग ने अब लगातार गांव में शिविर लगा रखा और लोगों के लगातार सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जी प्रवीण, लगता लगभग कितने लोगों को डेंगू और मलेरिया की शिकायत है सैंपल में, जिन लोगों की जांच हुई होगी? जी देखिए, बिल्कुल जो बछड़ी खादर गांव है इसमें लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा जो वहां के ग्रामीण है उनमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों में डेंगू की शिकायत मिली है और कुछ में मलेरिया के भी लक्षण पाए गए हैं। जो हमने डॉक्टरों से बात की थी उनका कहना है कि गांव में शिविर लगा गया और जितने भी लोगों को लंबे समय से फीवर चल रहा उनके जो सैंपल ले जा रहे हैं उनमें जो बाकी कुछ लोगों की जांच आ भी गई, कुछ की जांच रह भी रही। अभी यह भी क्लियर हो नहीं पाया कि सभी लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए या सभी मलेरिया के हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं जिनकी प्लेटलेट कम हो रही है, अगर डॉक्टर की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी लोगों की प्लेटलेट कम हो रही है इनमें सब में डेंगू का ही असर प्रतीत हो रहा है। जी शुक्रिया, शुक्रिया प्रवीण सैनी आपका बहुत जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।